हाय, मैं हूँ रौनक रामटेके और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी WWE देखता हूँ। और हाँ, वो फेक नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब लगी ना, तो सुनो। मुझे WWE की स्टोरी लाइन्स पसंद है, उसमें के कैरेक्टर्स पसंद है और उनकी परफॉर्मेंसेस भी पसंद है। ये सुन के ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं किसी फिल्म, शो या प्ले की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा ही है। WWE जिस कैटेगरी में आता है उसे कहते हैं स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। अगर आसान भाषा में बोले तो एक ग्रैंड कॉम्पिटिशन जिसको ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी हाइप किया गया हो और जिसका रिजल्ट पहले से ही डिसाइड किया गया होता है कंपिटिटर्स के सहमति के साथ। और ये WWE के शोज फिल्म्स की तरह ही सोच के स्क्रिप्ट किए जाते हैं ताकि ऑडियंस को मैक्सिमम एंटरटेनमेंट मिले। ये सारी चीज़ें एक बड़े फैक्टर को दिमाग में रख के लिखी जाती है जिसका नाम है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आसान भाषा में रोहित शेट्टी की फिल्म्स, बेसिकली चीज़ों को एंटरटेनमेंट की नज़र से देखना बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। अब सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी में जो दिखाया है वो सच में होता है क्या? फिर भी आप लोग 200 रुपये की टिकट लेकर 500 रुपये का पॉपकॉर्न खाते हुए देखते हो ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं, बट ठीक है ना यार, तुम लोग भी तो IPL। अच्छा सुनो, इस वीडियो में ना मैं WWE की कोई क्लिप्स नहीं यूज़ कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो ये शक्ल जो है ना, इसको प्लीज़ सह लेना पूरे वीडियो में। सह लेंगे थोड़ा सा। WWE की राइटिंग इतनी ज़्यादा डिटेल्ड होती है कि उनके हर कैरेक्टर की एक यूनिक पर्सनालिटी और स्टोरी लाइन होती है। जैसे फिल्मों में होता है हीरो और विलन, वैसे ही यहाँ पे होता है बेबी फेस मतलब हीरो और हील मतलब विलन। बेबी फेस और हील के भी और सब टाइप्स होते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर्स इन दो मेन टाइप्स में ही डिवाइडेड होते हैं। लेकिन इसके बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो इन कैरेक्टर्स को अपना रोल चेंज करने में मदद करती है, उसे कहते हैं टर्न। बेसिकली कई बार किसी कैरेक्टर की स्टोरी लाइन में उसे एक टर्न दिया जाता है जिससे वो बेबी फेस से हील और हील से बेबी फेस बन सकता है। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो यूजुअली हमको फिल्म्स और शोज में रेयरली देखने को मिलता है। कैरेक्टर को टर्न करने से ऑडियंस को उस कैरेक्टर की हील और बेबी फेस दोनों साइड्स देखने को मिलती है, और ये इसलिए भी किया जाता है ताकि उस कैरेक्टर से ऑडियंस कभी बोर ना हो। जैसे अभी रोमन रिंग्स का एग्जांपल ले लो, काफ़ी टाइम तक वो एक बेबी फेस था जिससे ऑडियंस बोर हो चुकी थी, इसलिए उसको एक हील टर्न दिया गया जो ऑडियंस को अभी काफ़ी पसंद आ रहा है। और अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है अंडरटेकर का, जिसे कहते थे कि वो मर के जिंदा हुआ है और वो खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ लड़ा भी है। एक्चुअली ये फेक अंडरटेकर था। इन कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स को लेकर एपिसोड बाय एपिसोड WWE एवरी वीक चलते रहता है, और एवरी मंथ उनका एक मेगा इवेंट होता है जिसे कहते हैं पेपर व्यू। समर स्लैम, रॉयल रंबल, ऐसे कई नाम आपने सुने होंगे, और इनका सबसे बड़ा इवेंट होता है रेसलमेनिया। तो ये हुई WWE के शो स्ट्रक्चर की बात। लेकिन इवन दो ये शो स्क्रिप्ट किए गए हो, इनमें की जो फाइट्स होती हैं वो रियल होती है, बस ये कैरेक्टर्स उसे थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। लेकिन ये करते वक्त उन्हें जो इंजुरीज होती है वो रियल होती है। अब कोई भी एक रेगुलर रेसलर ले लो, उसकी मिनिमम एक या दो सर्जरी तो हुई होगी इन इंजुरीज की वजह से। अभी मैंने सिर्फ WWE के बारे में बात की क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा रेसलिंग प्रमोशन है, लेकिन ऐसे कई सारे प्रमोशंस हैं जो सिमिलर थीम पे वर्क करते हैं, जैसे AEW, इम्पैक्ट रेसलिंग, रिंग ऑफ ऑनर, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, ये उसमें के कुछ टॉप नाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में भी कुछ रेसलिंग प्रमोशंस हैं, उनमें के कुछ बंद हो गए और कुछ चल रहे हैं, जैसे रिंग का किंग जिसमें रैंडमली अपने भज्जी पाजी थे, और भी है जैसे रेसल स्क्वायर, HWE और मेरा फेवरेट द ग्रेट खली का CWE। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके वजह से मैं और दुनिया भर के कई लोग अभी भी WWE या एंटरटेनमेंट रेसलिंग देखते हैं, और ये एनालिसिस सुनने के बाद शायद आप भी देखने लगो अपने सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को ध्यान में रख के। और अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हो तो 10th और 11th अप्रैल को WWE का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है रेसलमेनिया, जो सोनी स्पोर्ट्स और सोनी लिव पर आएगा इंडिया में, और उसे आप देख सकते हो इस वीडियो में बताए हुए सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के।